Praise the Lord. Good evening, everyone. हम लोग एक ओपनिंग प्रेयर कर लेते हैं। परमेश्वर पिता, परमेश्वर प्रभु प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा के नाम से आमेन। अमीन। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, इस वक्त के लिए, इस शाम के लिए जब हम जुड़े हैं। आज की क्लास में आप हमको जो सिखाओगे ब्रद, आ, 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 सिर्फ आपकी और आपकी महिमा हो और आप बढ़े और हम घटे प्रभु। हम आपका वचन सीखे, समझे और औरों को भी बताएं। और आज जो भी जुड़े हैं इस वक्त और जो YouTube द्वारा जुड़ने वाले हैं, हम सबको आपके आपका वचन का आशीष मिले। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि JCILM टीम, ब्रदर जॉनसन और उनके सारे सारे टीम मेंबर्स और सिस्टर फ्लोरिडा के लिए और ख़ास करके उन सब के लिए जो इस वक्त कोई यातनाओं से गुजर रहे हैं, जो बीमार हैं वगैरह, उन तक आपका वचन पहुँचे जो सत्य है। और जो योर वर्ड इज हेल्थ एंड हीलिंग टू ऑल आवर फ्लैश, तो ये वचन उन तक पहुँचे कि आपका वचन ही है जो सत्य है और जो शिफा देता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपके आपका हम आप ये प्रार्थना करते हैं आपके महान बेटे प्रभु यीशु के नाम से, आमेन। आमेन, आमेन। हम लोग कन्फेशन करेंगे ना, चिंता और भय के विषय में। जी जी, प्रेस का। हम यीशु क्रिस्ट के शरीर है और शैतान का हम सब पर कोई अधिकार नहीं। हम भलाई के द्वारा बुराई से बाहर निकल जाते। हम ईश्वर के हैं और शैतान पर हमने नियंत्रण पा लिया है। जो हम में निवास करता है वह महान है और वह इस संसार से भी महान है। हम कोई भी बुराई से नहीं डरेंगे क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। तेरे शब्द और तेरी आत्मा हम सबको चिंता से मुक्त करती है। हम अत्याचार से दूर है और भय हमारे पास नहीं आ सकता। जो भी हथियार हमारे विरुद्ध बनाया गया है वह सफल ना होगा क्योंकि हमारी धार्मिकता प्रभु की है। परंतु हम जो भी करेंगे वह सफल होगा क्योंकि हम सब नदी के जल के पास बोए गए एक पेड़ की तरह है। इस वर्तमान संसार की बुराई से हम सब मुक्त किए गए हैं और यह हम सब के लिए ईश्वर की इच्छा है। कोई भी बुराई हम सब पर नहीं पड़ सकती और ना ही कोई महामारी हम सब के समीप आ सकती है। प्रभु ने अपने दूतों को हम सब पर अधिकार दिया है और वे हम सब को हमारे मार्ग में संभालते हैं। हम सब के पथ मार्ग में जीवन है, वहां मृत्यु नहीं है। हम ईश्वर के सब पर चलने वाले कर्मी हैं और हम अपने सारे कार्यों में आशीष पाते। हम इन सब चीजों से के कारण प्रसन्न हैं क्योंकि हम ईश्वर के सब पर चलने वाले एक कर्मी हैं। हम विश्वास का कवच धारण किए हैं। दुष्ट के द्वारा हमारे विरोध में लाया गया हर चलता हुआ तीर को हम सब बुझा देते हैं। क्रिस्त ने नियमों के श्राप से हम सबको छुटकारा दिया है। इसलिए कोई भी कमजोरी अथवा बीमारी हम सब के शरीर में प्रवेश करने से हम सब रोकते हैं। यीशु क्रिस्त का नाम पर हर बीमारी, कीटाणु, हर विषाणु जो हम सब के शरीर को स्पर्श करता है वह तुरंत मर जाता है। हर अंग, हर टिश्यू उचित स्थिति में अपना कार्य करता है जिसे ईश्वर ने इस कार्य को करने के लिए रचा है। इसलिए यीशु क्रिस्त के नाम पर हम सब के शरीर को नाकाम होने से हम सब रोकते हैं।
हम विजय प्राप्त करते हैं और मेमने के रक्त और शब्द की गवाही के द्वारा विजय प्राप्त करते हैं। हम सब ईश्वर के अधीन हैं। शैतान हम सब से बचकर भाग जाता है क्योंकि हम सब यीशु क्रिस्त के नाम पर शैतान का विरोध करते हैं। ईश्वर का शब्द अनंत काल के लिए स्वर्ग में स्थापित है, इसलिए हम सब उनके शब्दों को इस पृथ्वी पर के ऊपर स्थापित करते हैं। हम सब की शांति महान है, हम सब की शांति महान है, हमारे बच्चों की शांति महान है, क्योंकि प्रभु यीशु प्रभु की शिक्षा हम सबको और हमारे बच्चों को हमारे परिवार को मिली है। हम सब हमारे बच्चे हमारे परिवार सुरक्षित है। हम सब हमारे बच्चे हमारे परिवार धनवान है। हम सब हमारे बच्चे हमारे परिवार स्वस्थ है। हम सब हमारे बच्चे हमारे परिवार संपूर्णता के साथ अभिषिक्त है। हम सब के जीवन में कोई अभाव नहीं, कुछ भी क्षतिग्रस्त नहीं है। यीशु मसीह के नाम से आमीन। 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 प्रेज गॉड। तो सिस्टर, हम लोग कल का जो क्लास हुआ था उसका थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं। जहाँ पे मैंने कोई एक टीचिंग सुना था और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उसको मैंने थोड़ा स्टडी किया थोड़ा सा ही, और प्रभु पवित्र आत्मा से प्रेज गॉड अच्छा मुझे रेवलेशन मिला कि प्रार्थना का महत्व क्या है हमारे लाइफ में। तो प्रार्थना किस क्यों हम प्रार्थना क्यों करते हैं, ये है कि दाऊद ने साम नीति वचन 121 का 1 में लिखा है कि एक मिनट, मैं चाहती हूँ शेयर स्क्रीन पर। साम 121 वर्स 1। तो हम ये यहाँ पे देखते हैं कि प्रार्थना कोई क्यों करता है। अभी कल हम लोग ने ऐसे ही मतलब पूछा था एक दूसरे को सिस्टर कि जब हम खुश रहते हैं, जब हम लोग लाइक कोई पार्टी वगैरह में रहते हैं, क्या हमें प्रभु का याद आता है? नहीं आता है ना। लेकिन जब हम कोई प्रॉब्लम से गुजरते हैं या जो को जब भी कोई यातनाओं से गुजरते हैं, कोई ट्रायल्स, कोई प्रॉब्लम या कोई और हमें अपने प्रॉब्लम के बारे में बताता है, तो वो हमें कहता है कि प्लीज हम हमारे लिए प्रार्थना करो। तो ये तो निश्चय हुआ कि ये पहला वचन देखिए, मैं ऊपर पर्वतों को देखता हूँ किंतु सचमुच मेरी सहायता कहाँ से आएगी। तो ये बात निश्चय है कि हमें सहायता की जरूरत है। उस वक्त हम ऊपर की तरफ देखते कि मैं कहाँ ऊपर पर्वतों की तरफ देखता हूँ, वहां पे जहाँ पे कौन बैठा है ऊपर, यहोवा, मुझको तो सहारा यहोवा से मिलेगा जो स्वर्ग और धरती को बनाने वाला है। सिस्टर निशा, आपके पास कोई और वर्जन है क्या? हाँ सिस्टर, पढ़े। हाँ जी बिल्कुल, वचन संहिता 121 का फर्स्ट और सेकंड है ना। हाँ सॉरी, वचन संहिता है ना, मैं नीति वचन बोल रही थी, सॉरी सॉरी, वचन संहिता। ओके, फर्स्ट और सेकंड ना। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, है ना। उसके बाद सेकंड में लिखा है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है।
प्रेज प्रेज गॉड। गॉड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहली बात तो ये निश्चय है कि हमें सहायता की जरूरत है, तभी हम करते हैं प्रार्थना, है ना। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो दो बातें मैंने सीखी कि दो बातें होती है, एक तो हमारी जो फिजिकल आंखें हैं वो खुलती हैं, और दूसरी बात कि हमारी स्पिरिचुअल आंखें खुलती हैं। अभी जो पहला जो मैंने सीखा कि प्रभु यीशु हमें जैसे जेनेसिस यानी जेनेसिस यानी उत्पत्ति ना, हाँ, प्रेज गॉड, जेनेसिस मैंने कल मिल गया मुझे जो वो क्लास के वक्त नहीं मिल रहा था, जेनेसिस 21 और 19 है उसका वचन, जेनेसिस 21। तो इसमें क्या हुआ कि हाजरा जो अपने बेटे को लेकर रेगिस्तान में चल रही थी, एक बारी सारा ने उसको गुस्से से निकाल दिया, उनकी अनबन हो गई और वो निकल गई और वो रेगिस्तान में चल रही थी, और उसका बेटा इश्माइल जो है वो रेगिस्तान में वो भूख और प्यास से मतलब बिलख रहा था, तो उसकी माँ जो है हाजरा उसे अपने बेटे का दुख दिखाने गया, और वो उसने क्या किया, उसने अपने बेटे को वो रेगिस्तान में छोड़कर उसने ये सोचा कि मैं उसको यहाँ पर छोड़कर जाऊंगी, कोई आता जाता आदमी उसकी तरफ नजर दे उसका कुछ तो भला होगा, और वो अपने आप को छुपा देती है। लेकिन पिता परमेश्वर आते हैं और सबसे पहले उसकी आंखें खोलते हैं। ये देखिए 19वां वचन में परमेश्वर ने हाजरा की आंखें इस प्रकार खोली कि वह एक पानी का कुआं देख सकी, इसलिए कुएं पर हाजरा गई और उसके थैले को पानी से भर लिया, और उसने बच्चे को पानी पीने के लिए पानी दिया। सिस्टर आपके पास दूसरा इससे बेहतर, मतलब ये तो इजी टू रीड है, आपके पास हाँ कोई और वर्जन ठीक है? है, मेरा में जो लिखा हुआ आप पढ़ दे रहे हैं, उत्पत्ति 21:19 में परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा, सो उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। बिल्कुल। अभी अभी सिस्टर मेरा पूछने का ये है कि क्या वो कुआं पहले से ही था? अभी यहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने हाजरा की आंखें इस प्रकार खोली कि वह एक पानी का कुआं देख सकी। स्पिरिचुअल रूप से था। ये 18 वाले में लिखा है, उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसे उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हाँ। लेकिन लेकिन मेरा बोलने का ये मतलब है सिस्टर, ये बहुत बारी क्या आपके साथ ऐसे हुआ है, अभी आप जब भी कपड़े सीती हैं आपके नाक के नीचे कोई सामान रहेगा, कैंची, सुई, धागा, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता, है ना? हाँ, मेरे साथ तो बहुत बार ही होता है, ऑलमोस्ट एवरी होता डे, है आज ही हुआ, सिस्टर्स, होता है। आज ही हुआ। मैं स्वेटर ढूंढ रही हूँ मेरा, सुपरमार्केट जाने से पहले
मैं ढूंढ रही हूँ और मैं ये कह रही हूँ प्रभु मुझे मेरा वो स्वेटर दिखा दो, क्योंकि मतलब मुझे इतनी आदत है ना वो स्वेटर पहन के जाने की, लेकिन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। हम लोग सुपरमार्केट में कहीं और जाके मैं अपना एक स्वेटर दूसरा वाला पहन के और उसके ऊपर वो जो शॉल है वो ओढ़ के चली गई, जबकि वो जो मेरा स्वेटर मैं ढूंढ रही हूँ उसके ऊपर ना वो सिला हुआ हुडी है, वो जो टोपी होता है ना स्वेटर को मिलके, हाँ वो मुझे ना उससे बहुत आसानी होती है। उसके ऊपर ना वो है क्या बोलते हैं ना दोनों साइड से जो स्ट्रिंग होता है ना जो हम लोग खींच के टोपी को टाइट करते हैं गले पर, हाँ तो वो मुझे बहुत आसान होता है। नहीं तो फिर स्वेटर लो, शॉल लो, टोपी लो, सॉक्स पहनो, अलग 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 आइटम, तो मुझे तो स्वेटर दिखाई नहीं पड़ रहा था। सुपरमार्केट से जाके आने के बाद बस कपड़ के बाजू में ही है। तो ये जो है ना सिस्टर, जब हम प्रार्थना करते हैं सबसे पहले पवित्र आत्मा द्वारा हमारी आंखें खुल जाती है, ये जो फिजिकल आईज है ना ये खुलती है हमें ये बताने के लिए कि चलो वक्त आ गया है कि आपने अभी वचन खोलना है। जब हम वचन पढ़ते हैं तभी हमारे स्पिरिट में बसता है ना, और ये बेसिकली ये आंखों का नहीं ये प्रार्थना का। मैंने सोचा कि हम प्रार्थना करते क्यों हैं, और प्रार्थना कल हम लोग ने देखा कि मैथ्यू 6:23 में ट्वेंटी 2 to 23 ना सिस्टर, देखिए शरीर के लिए आप पढ़ देंगी प्लीज, कौन सा ये जो स्क्रीन में है उसको पढ़ना है सिस्टर? जो भी है मतलब आपके पास आसान वाला है तो आप वो पढ़िए कोई बात नहीं ठीक है सिस्टर, पढ़ते हैं। जी। 22 से ना, 6 का 22। हाँ हाँ शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा, क्योंकि मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। बस बस सिस्टम बस ओ, प्रेज गॉड। 22 और 23। तो हमारी आंखों का जब हम प्रार्थना करते हैं पहला पॉइंट ये ताकि हम हमारा जो फिजिकल आंख है ना वो खुलता है हाँ ओके, और बाद में स्पिरिचुअल आंखें खुलती है। तो ये पहली जो फिजिकल आंखें क्यों क्यों खोलती है, क्योंकि प्रभु यीशु ये कह रहे हैं शरीर के लिए प्रकाश का स्रोत आंख है। जब हम इसलिए यदि तेरी आंख ठीक है तो तेरा सारा शरीर प्रकाशवान रहेगा, किंतु यदि तेरी आंख बुरी हो जाए यानी आंख मतलब आंखों आंखों को ठीक तरह से आंखों से अगर हम ठीक तरह से देख नहीं पाते तो सारा शरीर अंधेरे में है, या अगर हम ठीक तरह से देख नहीं पाते या अगर मतलब जो अंधकार में है अंधकार में रहना चाहते हैं
वो कहते हैं कि नहीं भाई, मुझे मुझे इसके बारे में जानना ही नहीं, मुझे इसकी तरफ देखना ही नहीं। अभी रोड क्रॉस करते हुए क्या हम रोड क्रॉस कर सकते हैं आंख बंद करके? नहीं। नहीं कर सकते ना। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी आंखें खोलें, सिग्नल को देखें, कौन सा सिग्नल है, कहाँ से आ रही है गाड़ियां, ठीक है, और हम आगे बढ़े। तो ये ज्ञान मिलने के लिए, प्रभु का वचन जो ज्ञान मिलने के लिए, ये हमें जरूरी है कि हम अपनी फिजिकल आंखें खोलें और ये ज्ञान तो ले लें पहले, है ना सिस्टर? प्रेज गॉड। हाँ फिर बाद में ये पढ़ने के बाद हम लोग ने ये तो ये रिवाइज, ये मतलब ये बातें कि प्रार्थना का महत्व प्रभु ने कितनी बार, मतलब उन्होंने बताया कि ऐसे प्रार्थना करो कि उन्होंने जो ये जो आ फादर हमें बाइबल में पढ़ा है, वो एक गाइडलाइन है ना। वो गाइडलाइन वो हमें बताता है कि प्रार्थना ऐसे करो। तो प्रार्थना का महत्व हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि वचन वचन का स्क्रिप्चर बोलो। जैसे हमने सीखा मैथ्यू 22 to 24, सॉरी मार्क, मार्कुस का क्यों, मार्क 11, सॉरी, मार्क चैप्टर 11 वर्स 22 to 25, जो हम लोग हमेशा जो लोग पीड़ित हैं, हम लोग उनको बोलते हैं ना सिस्टर कि ये जो भी ये पहाड़ से कहे उखड़ जा, समुद्र में जाके पड़, जाके गिर। सही है, वो सही है, वो स्क्रिप्चर एकदम सही है, लेकिन लेकिन उसके बाद में क्या लिखा है, 24 में लिखा है, इसलिए जब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम प्रार्थना में जो कुछ मांगोगे विश्वास करो वह तुम्हें मिल गया है ना सिस्टर? तो हम तो पहले ये जान गए कि हमें प्रार्थना करना जरूरी है। प्रार्थना हम कब करते हैं? जबे हमें सहायता की जरूरत है। हम लोग बहुत बारी ये बोलते हैं कि ये वचन बोलो, वो वचन बोलो, और विश्वास करो कि ये पहाड़ मतलब अपने आप से पानी में जाके गिर जाए। हाँ, लेकिन हमें ये यहाँ पे प्रभु यीशु ने बोला है कि तुम प्रार्थना में जो मांगोगे विश्वास करो कि वो तुम्हारा हो गया है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, जब हम 23वां 23वां वचन बोलते हैं, हम उन्हें ये कहना मतलब हम लोग उनको बोलते हैं कि चलो ये वचन बोलो और ये विश्वास करो, लेकिन हमने उनको ये नहीं बताया कि ये प्रार्थना में उन्हें बोलना है, ना कि मतलब हम लोग जैसे हाल ही में ना सिस्टर, एक दो बहुत बहुत बारी ऐसे हो रहा था कि हम लोग बोल तो रहे कि आप विश्वास करो, आप विश्वास करो, जी हाँ आप विश्वास करो, लेकिन प्रार्थना प्रार्थना में
जब आपकी फिजिकल आंखें खुल गई, आपको ज्ञान मिल गया, या आपको किसी ने, हमने उनसे कहा कि आप मार्कस का चैप्टर 11 ओपन करो, खोलो और 22 से 24 का पढ़ो, लेकिन बहुत बारी हम ये बोल देते हैं कि 22 से 24 में हम लोग ने ये बोला है कि यहाँ पे प्रभु यीशु कहते हैं कि उस पहाड़ को बोलो, उस पहाड़ को बोलो, लेकिन उन्होंने ये भी 24 में बोला कि इसलिए मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम प्रार्थना में जो कुछ मांगोगे विश्वास करो। तो ऐसा बहुत बारी होता है कि हम प्रार्थना के लिए किसी और के पास भागने लगते हैं, है ना? तो सिस्टर, आपको मतलब कुछ कुछ बोलना है इसके बारे में? नेक्स्ट पहले हम लोग ऐसे ही करते थे ना, कुछ हाँ प्रॉब्लम हुआ तो प्रार्थना कौन कर, प्रार्थना के कोई कर देगा तो मेरा सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। कोई पास्टर, कोई अधिक प्रेयर करने वाला, जो अच्छा प्रेयर करने वाला, वही उनके पास जाते थे जब नहीं जी जानते थे वेस जी का। जब हम वचन नहीं जानते थे, लेकिन अब हम वचन जान गए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सीख रहे हैं वचन। तो ये जब हम किसी और को भी बताते हैं ना, लेकिन हम लोग, मतलब मुझसे ये अक्सर हो गया था कि मतलब ये टीचिंग मैंने किसी और से सुना, तो ये प्रार्थना का महत्व मैंने मतलब ठीक तरह से समझा नहीं कि हम लोग ये वचन बोल रहे हैं, और ये वचन से मुझे काफी लाभ भी मिला कि जब मैं वचन ये बोल रही थी, लेकिन जब मैं किसी और से शेयर कर रही हूँ, मैं भूल रही हूँ उनको ये बताने के लिए कि तुम प्रार्थना करो, मैंने उसका भगवान ही बनना है ना, मैंने उसका लॉर्ड जीसस नहीं बनना है, मैंने उसको ये बताना है कि प्रार्थना तुमने करनी है और ये वचन है। जैसे एक सिस्टर, एक और सिस्टर ने बताया था मुझे कि हम लोग जब भी बाइबल स्टडी करते हैं ना हफ्ते में, ये बताया था कि हमारा काम होता है कि कुएं में, कुएं तक लेके जाना, प्रभु का वचन हमने बताना है, लेकिन कुएं से पानी निकालने का काम उसका है ना? हाँ सही है। तो ये सही। अभी हमने प्रार्थना का महत्व ये है कि जब तुम प्रार्थना करो, और हमने ये उसको बताना है कि आपका आपका विश्वास का लेवल और हमारा विश्वास का लेवल, मतलब प्रभु तो एक ही है, उन्होंने सबको एक तरह का ही विश्वास विश्वास। दिया है, एक ही अनुग्रह दिया है, करेक्ट, और धार्मिकता भी एक तरह की है, क्योंकि कोई भेदभाव नहीं है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो जब सेम है तो प्रार्थना मैं नहीं करूंगी, आप करोगे, ये मैंने खुद आजमाया सिस्टर। अभी एक टेस्ट में नहीं देती हूँ, मैं ग्रुप में बाद में भेजूंगी, प्रेज गॉड, कि ये जो महिला थी वो बहुत सालों से उनको मतलब कुछ तो एक बीमारी डायग्नाइज हुआ था बहुत साल पहले, वो ठीक भी हो गई थी, उन्होंने उसकी गवाही दी, ठीक है, और अभी कुछ साल बाद, मुझे तो उसका आइडिया भी नहीं था, अभी हेल्पलाइन द्वारा, JCIM द्वारा मुझे उनका नंबर मिला, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, और मैंने भी उनको मतलब हेल्पलाइन द्वारा नंबर मिला तो मैंने उनको कांटेक्ट किया और मैंने उनको ये वचन दिया वगैरह वगैरह, ओके, यही वचन, और मैंने उनको ये कहती रही कि प्रोवर्ब्स 18:21 के अनुसार कि जीवन और मृत्यु हमारे
जबान के वश में है, तो जो हम कहते हैं हमें हम वही पाएंगे। ठीक है, एक वो, और ये मार्कुस का चैप्टर 11 वर्स 22 से 24। ओके, लेकिन ऐसा होता था सिस्टर कि जब भी वो उनको जरूरत है, सहायता है, तब वो फट से मेरे पास मुझे मैसेज भेजती थी, तुरंत मुझे मैसेज, सिस्टर मुझे आज ये हो रहा है, सिस्टर मुझे आज वो हो रहा है, आज मेरा ये ब्लड टेस्ट है, आज मेरा वो ब्लड टेस्ट है, आप मेरे लिए प्रार्थना करो, आप मेरे लिए ये करो। तो मतलब वो अकेली नहीं है, और भी है। तो मैंने फिर अभी ये 1-1.5 साल से चल रहा है, फिर मैंने सोचा, पवित्र आत्मा ने मुझे मतलब ये जो अलग टीचिंग प्रार्थना के बारे में सिखाया, तो इसमें मैंने फिर मुझे याद आया कि मैं ये सिस्टर मुझे मैसेज करती हैं कि मेरी एक दोस्त है, वो उनका सारा वो बहुत बीमार है सिस्टर, आप उसके लिए प्रार्थना करो। तो अभी इसके लिए अभी अब मैं क्या करूं सिस्टर? तो उस वक्त मुझे ना पवित्र आत्मा ने मतलब मुझे ऐसे लगा कि नहीं यार, मैं मतलब ये कहीं तो कुछ तो गलत हो रहा है ना। मैं उनको बताए दे रही हूं कि देखो आप विश्वास करो, आप ये वचन बोलो, खाली ये नहीं, और भी मैं उसको टीचिंग्स भेज रही हूँ। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि उनको कुछ नहीं करना, जब प्रॉब्लम आता है, जब सहायता की जरूरत है, तब वो लोगों के पीछे भागेंगे, हम लोगों के पीछे भागेंगे ये बोल के कि मेरे लिए प्रार्थना करो, है ना। तो मैंने सोचा कि ये तो गलत हो रहा है, होली स्पिरिट मुझे आप रास्ता दिखाओ। और मेरे वो टीचिंग में आया कि प्रार्थना करना कितना इम्पोर्टेंट है। अभी प्रार्थना हम जब करते हैं, तो ये सिस्टर जब भी मुझे बोला कि उनकी दोस्त जो बीमार है, मैंने उनको सीधा बोला, सिस्टर मैं उनके लिए प्रार्थना नहीं करूंगी, मैं चाहती हूँ कि आप करो। तो मैंने क्या किया, हम लोग बोलते हैं ना, बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि ये उनके समझ आए कि प्रार्थना सबने अपने लिए और औरों के लिए करना है। मैं ये नहीं कह रही कि और किसी के लिए प्रार्थना नहीं करना है, बिल्कुल करना है, एक दूसरे के लिए करना है, एक दूसरे का हाथ मतलब पकड़कर एक दूसरे को बिल्डअप करना है ना। लेकिन हमने किसी और का क्या कहते हैं, लॉर्ड नहीं बनना। प्रेज गॉड। गुड प्रेज इवनिंग सब्रेंडा। प्रेज द लॉर्ड। तो फिर हम ये सीखा कि प्रार्थना में हम जो कुछ मांगेंगे वो विश्वास से हम लोग उसको विश्वास से वचन का वचन मतलब हमारी जब भी फिजिकल आंखें खुलती हैं तो हम वचन सीखते हैं, वचन सीखते हैं, तो हम उसको प्रार्थना में विश्वास के साथ बोलते हैं, और वो विश्वास हमें प्रभु यीशु से मिलता है। और उसके बाद प्रभु यीशु बोलते हैं कि कभी तुम प्रार्थना करते खड़े होते हो, तो यदि तुम्हें किसी से कोई शिकायत है तो उसे क्षमा कर दो, ताकि स्वर्ग में स्थित तुम्हारा परमपिता तुम्हारे पापों के लिए तुम्हें भी क्षमा कर दे, है ना सिस्टर। अभी अगर मैं
हमेशा वो सिस्टर के लिए प्रार्थना करती हूँ और उसे उस टाइम के वो छुटकारा शायद एक दो बारी वो प्रार्थना तो मतलब वचन तो दोधारी तलवार है, मैं जो बोलूंगी मेरे विश्वास से वो उसको चंगाई मिलेगी, लेकिन क्या उतना तक सही है? हर एक उसकी लाइफ में अगर दूसरा उससे भी बड़ा पहाड़ आए तो वो मुझ पर लटकेगी ना, बल्कि इसके बजाय बजाय इसके कि वो वचन सीखे, टीचिंग सुने और अपना विश्वास बढ़ाए, वो मेरे विश्वास पे लटकी रहेगी। ये तो सही नहीं है ना। और क्या मुझे मुझे उसके जीवन का क्या कहते हैं डिटेल मुझे तो नहीं मालूम है ना, पवित्र आत्मा को मालूम है, प्रभु यीशु को मालूम है। तो अगर उसके उसके मन में किसी और के खिलाफ शिकायत है, अनफॉरगिवनेस है, कुछ भी है, ये तो मुझे नहीं मालूम होगा, तो क्या इसका ये हो सकता है कि सिस्टर आपने मेरे लिए प्रार्थना किया लेकिन ये तो कुछ हुआ ही नहीं, इस बारे तो कुछ हुआ ही नहीं। तो मैं बोल रही हूँ कि मतलब मुझ ऐसा होगा, इज वोंट दैट बी अनप्लेजेंट सिचुएशन, कि ऐसा कैसे हो गया कि मैं वचन बोल रही हूँ लेकिन ये मेरा विश्वास है कि ये होगा, लेकिन प्रार्थना की कौन कर रहा है और किसके लिए कर रहा है और किसके मन में अगर द्वेष है, ईर्ष्या है, कंफ्यूजन है, गिल्ट है, मैं मेरे विश्वास पर कर रही हूं लेकिन उसके मन में अभी भी डाउट है, तो प्रेज द लॉर्ड। तो ये कल हम लोग ने बातें करी थी, कुछ चैट पे आया सिस्टर ब्रेंडा, यस सिस्टर ब्रदर लॉरेंस सिस्टर, वर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? जी सिस्टर बिकॉज ब्रदर लॉरेंस इज फ्रॉम पाकिस्तान एंड ही नीड उर्दू ट्रांसलेशन सिस्टर। यस सिस्टर ब्रदर लॉरेंस अंडरस्टैंड्स बोथ इंग्लिश एंड उर्दू आई एम श्योर ब्रदर लॉरेंस यू कैन अंडरस्टैंड इन हिंदी ऑल्सो नो या ओवरऑल आई कैन अंडरस्टैंड हाउ एवर देयर सम वर्ड्स कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो लेकिन ओवरऑल मैसेज समझ में आ रहा हाँ है। ब्रदर, हाँ अगर आपको जो समझ नहीं आ रहा है ना, जो अल्फाज नहीं समझ आ रहा है, आप अपना हाथ उठा के पूछ सकते हैं। आपके पास जो भी सवाल है या कोई समझ नहीं आ रहा है या आपको पूछना है, सो प्लीज फील फ्री टू आस्क व्हाट एवर यू वांट। हाँ जो भी वर्ड व्हाट एवर वर्ड आपको जो शब्द जो अल्फाज नहीं समझ आए ना, आप प्लीज चैट में या आप हैंड रेस करेंगे तो मतलब मैं ट्राई करती हूँ। श्योर प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। तो ये हुआ हमारा फिजिकल आंखें खोलने के लिए प्रार्थना की कितनी जरूरत है और प्रार्थना कैसे हम लोग विश्वास द्वारा हम लोग सिस्टर विश्वास को क्या बोलते हैं उर्दू में? आई फेथ, थिंक फेथ, विश्वास इज ईमान ईमान, फेथ। करेक्ट करेक्ट, यस सिस्टर, यस ब्रदर। ओ लास्ट ईयर से वो सिस्टर ग्रेस और सिस्टर मरियम वो नहीं ज्वाइन हो रही ना, तो हम लोग का भी उर्दू छूट गया। इसका प्रेज गॉड। ओके फिर इसके बाद हम लोग ने इसके आगे बढ़े
तो मैं ये हम लोग मेरे पवित्र आत्मा यानी कि पाक रूह। हाँ ब्रदर लॉरेंस, तो ये जो पाक रूह है पवित्र आत्मा ने मुझे याद दिलाया कि जब प्रभु यीशु यानी यीशु यीशु जो है जब वो कैलवरी जाने से पहले गार्डन ऑफ गेथसेमनी में जब वो प्रार्थना करने गए, प्रेयर करने के लिए गए, उन्होंने अपने तीन शिष्य जो थे, तीन डिसाइपल्स साइमन पीटर जेम्स और जॉन, उन तीनों को भी बोला था तुम यहाँ पे बैठ के प्रार्थना करो और मैं थोड़ी आगे जाता हूँ। वो थोड़ी आगे जाकर वो भी प्रेयर करने के लिए, दुआ करने के लिए पिता परमेश्वर से, यहोवा से प्रेयर करने के लिए बैठ गए। और वहां पर वो प्रेयर में इतने मसरूफ थे, मसरूफ यानी कि बिजी ना, सॉरी नो नॉट बिजी, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड बिजी, ही वाज सो इन डीप प्रेयर कि उनके इतना उनके बदन से, उनके शरीर से लहू बहने लगा, पाक लहू। इतना इतना वो स्ट्रेस में थे, इतना इतना एग्नी था। तो वो प्रार्थना जो वो हमने ये कल डिस्कस किया कि उत्पत्ति यानी जेनेसिस से लेके रेवलेशन तक हर एक जो भी नबी आया, जो भी प्रॉफिट आया, उनका एक उनको उनके पास कोई रटा हुआ कोई प्रेयर, ऐसे प्रेयर बुक नहीं था जहाँ पे वो बैठ के बस बोलते रहे बोलते रहे। वो काम तो रिलीजियस लोग मतलब जो ये प्रीस्ट और फैरिसीज स्क्राइब्स जो थे, वो जो लॉज लिख जिनके पास लॉज था, वो लोग उसका जो मतलब बोल बोल कर बोल बोल कर उनको बाय हार्ट करके वो लोगों को बोल बोलते थे। लेकिन प्रार्थना का असली मतलब क्या है? जो एब्राहम मोसेस जोशुआ एक्सक्यूज मी प्लीज, सॉरी सिस्टर, कैन यू प्लीज टेक दिस फॉर अ बिट? सिस्टर निशा, हाँ सिस्टर, आप बोलिए सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड, सॉरी प्रेज गॉड। तो मैं कहाँ पे थी? गार्डन ऑफ गेथसेमनी में ना। हाँ, तो प्रभु यीशु वहां पे मतलब राइट फ्रॉम जेनेसिस से लेके रेवलेशन तक ये सारे प्रॉफिट्स जो हैं जो उनका उनका जो प्रार्थना करने का उनका जो वो कैसे प्रार्थना करते थे पिता परमेश्वर से, उनका एक रिश्ता, उनका एक पर्सनल रिश्ता था। अभी ये जो हम लोग जो कंटेम्प्ररी प्रेस है, हम लोग ने अभी सुबह के 9 बजे उठ गए, हम लोग ने ये प्रेयर बोलना है। सुबह दोपहर का 3 बज गया, ये प्रेयर बोलना है। शाम के 7 बजे ये बोलना है, 8 बजे ये बोलना है। ये क्या वो मतलब ऐसे था?
सिस्टर्स हाँ हाँ ब्रदर्स, सिस्टर्स, पहले ऐसे ही था ना। हम लोग का ऐसे था, लेकिन वो जो प्रॉफिट्स जो प्रभु पिता परमेश्वर भेज रहे हैं, क्या उनका रिश्ता उनके साथ ऐसे था? नहीं, नहीं, उनका ऐसे नहीं था। वो बिंदास, जैसे हम लोग अपना डैडी से बात करते हैं ना, हाँ आई लव बिंदास बोले तो क्या, समझ गए सिस्टर। नहीं उर्दू में कैसा बोलने का मतलब, अपना अगर अपने आप अपने को अगर आपको आपके वाइफ से या डैडी से या मम्मी से या बच्चों से बात करना है, तो आप अपॉइंटमेंट लोगे क्या कि ये टाइम पे मैंने आपको आपसे बात करने का है, ये टाइम पे मैंने आपसे अब हम लोग अपॉइंटमेंट नहीं लेगा ना। तो लेकिन हम लोग करते क्या है, जब जब वो पिता परमेश्वर की बात आती है तो हम लोग बोलते हैं, अरे आज मेरे को मतलब आज संडे है तो 9 बजे का मास को जाने का है, फिर बाद में दोपहर को 3 बजे का प्रेयर बोलने का है, फिर शाम को 7 बजे का ये बोलने का है, और बाद में काबी के सो जाने का है, ये प्रार्थना हो गया। लेकिन जब भी प्रॉब्लम आया, ये सब कुछ काम नहीं कर, ये सब तब काम नहीं करेगा, तब भी हम लोग भागेंगे किसी के पास, उसके पास, हाँ उसके पास इसका, वो तो मतलब अनॉइंटेड है, उसके पास भागो, इसके पास भागो, वो उसका विश्वास बहुत सही है, वो अनॉइंटेड है, और वो हमारे लिए प्रार्थना कर देगा और मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये तो सही ट्रैक नहीं हो गया ना सिस्टर। प्रेज गॉड। तो ये हुआ कल तक का रिवीजन। ये तो हमारे लिए प्रार्थना करने से हमारी आंखें फिजिकल आंखें खुल गई, हमने हमने वचन सीखना शुरू किया, और हमारे जो 5 इंद्रियां, जो 5 सेंसेस हैं, वो प्रभु कह रहे कि खोलो अपनी आंखें खोलो, जैसे मैंने हाजिरा को रेगिस्तान में उसे कुआं दिखाया, अपनी आंखें खोलो और एक कुआं देखो, कुएं में से पानी निकाल कर अपना वाइन स्किन भरो, सॉरी वाइन स्किन नहीं यार, अपना जो पोती है उसने क्या, उसमें क्या बैग था, उसके पास जो बैग था, थैली। थैली थैली तो हाँ, वो थैली भरो, तो वो क्या है, अपना आंखों अपनी आंखें खोलो, प्रभु का वचन, ये जो कुआं है, झरना है, लिविंग वाटर्स, इसको ओपन करो और इसमें से पानी, जीवित वचन, वो अपनी थैली भरो और उस थैली में से पानी निकाल कर खुद पियो, औरों को भी पिलाओ, ठीक है, इतना तक प्रेज गॉड। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि हमारी स्पिरिचुअल आंखें कैसी खुलती है। इसका एक एग्जाम्पल मुझे मिला एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 9 में। अभी एक्ट्स 10:9 8:8:8 से शुरू करते हैं। 8:2:10 सिस्टर आपके पास है हाँ, क्या? पढ़ हम इसी को पढ़ दे रहे हैं सिस्टर, जो आप स्क्रीन में डाल ओके रहे। ओके ओके और जो कुछ घटित हुआ था उन्हें सब कुछ बताकर याफा भेज दिया। अगले दिन जब वे चलते चलते नगर के निकट पहुंचे, पहुंचने ही वाले थे, पतरस दोपहर के समय
प्रार्थना करने को छत पर चढ़ा। उसे भूख लगी, सो वह कुछ खाना चाहता था। वे जब भोजन तैयार कर ही रहे थे तो उसकी समाधि लग गई। हाँ तो आठवां वाला इतना इम्पोर्टेंट, मतलब आठवां वाला अभी डिस्कस करने का जरूरत नहीं। 9 और 11 मिनट का 9 2 ये क्या हुआ? वही है ना, वही वचन है सिस्टर। हाँ हाँ वही है, वही है, वही है। हाँ, 11 तक खुला है सिस्टर। अगले दिन जब वे चलते चलते नगर के निकट पहुंचने ही वाले थे, पतरस दोपहर के शाम समय प्रार्थना करने को छत पर चढ़ा। उसे भूख लगी, सो वह कुछ खाना चाहता था। अभी ये क्या हो रहा है ना, मुझे लगता है पतरस को, मतलब वो नीचे वो छत पर क्यों गया? प्रार्थना करने, प्रार्थना करने के लिए छत पर चढ़ा, क्यों नीचे नहीं कर सकता था? शायद उसको है ना खाना बनाने के लिए नहीं आता था उसको, मतलब वो जो नीचे खाना बना रहे ना, वो ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड प्रोबेबली। तो लेकिन वो प्रार्थना करने छत पर चढ़ा, उसे भूख लगी, सो वह कुछ खाना चाहता था। वे जब भोजन तैयार कर ही रहे थे तो उसकी समाधि, समाधि हम लोग का मेरे पास बेसुध हो गया, वह बेसुध हो गया। हाँ ये इंग्लिश वाले में देखिए, एंड ही बिकेम वेरी हंग्री एंड वुड हैव ईटन, बट व्हाइल दे मेड रेडी ही फेल इनटू अ ट्रांस। व्हाइल दे मेड रेडी बोले तो क्या, यानी नीचे खाना पक रहा था, बन रहा है खाना, ओके वो उसको इंटरेस्ट नहीं था खाना बनाने के लिए, लेकिन वो प्रार्थना करने के लिए छत पे चला गया और प्रार्थना करते करते उसको भूख लग गई, भूख लग गई और वो मतलब नीचे खाना बन रहा है, लेकिन वो एक ट्रांस में चला गया, वो बेशुद्ध हो गया, ओके और उसने देखा। अभी ट्रांस में कैसे देखेगा आदमी, बेशुद्ध हो गया मतलब आंखें बंद हो गई ना सिस्टर, तो उसकी स्पिरिचुअल आंखें खुली। स्पिरिचुअल आंखों से उसने देखा कि आकाश खुल गया है और एक बड़ी चादर जैसी कोई वस्तु नीचे उतर रही है। उसे चारों, क्या ये, कोनों से एक मिनट पकड़कर, हाँ सॉरी सॉरी, चारों कोनों से पकड़कर धरती पर उतारा जा रहा था। तो इसके बाद क्या हुआ, उस पर हर प्रकार के पशु, धरती के रेंगने वाले जीव जंतु और आकाश के पक्षी थे।
तो ये स्पिरिचुअल आंखें खुली और ये, मतलब वो एक ट्रांस में चला गया। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम, मतलब प्रार्थना इतना डीप होता है, जैसे हम लोग गैर जबान में प्रार्थना करते हैं, है ना। तो वो क्या होता है, वो हमने सीखा कि एफिशिएंस 1:3 में ना सिस्टर, हम कि प्रभु ने हमें हर एक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग दिया है। एफिसियो का 1:3 है ना सिस्टर वो। देख रहे थे एक बार ऐसे ही बोलने का। हाँ सिस्टर, और प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। तो ये हमें स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, ये स्पिरिचुअल ब्लेसिंग जो हम लोगों को, हर सबको, ब्लेसिड बी गॉड द एंड फादर ऑफ आर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु पिता, यीशु मसीह का पिता और परमेश्वर धन्य हो। ब्लेस्ड बी द गॉड, ब्लेसेड बी द गॉड एंड फादर ऑफ आर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हु हैज ब्लेस्ड अस विद ऑल स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, एक या दो नहीं, सब, और सबको समान दिया है, एक समान, नो डिफरेंस। क्योंकि जो यहोवा है हमारे, जो यीशु है, वो कोई भेदभाव नहीं करते। तो अगर आपको मिला है तो उतना ही मुझे भी उतना ही मिला है, लेकिन उस कुएं से हम कितना निकालते हैं, हमने कितना पानी निकाला है, वो हम पे डिपेंड करता है ना। अगर हमको क्या बोलते हैं, चुल्लू भर चाहिए, ग्लास भर चाहिए, स्विमिंग पूल चाहिए, रिवर चाहिए, हमको क्या बनना है, हम या समुंदर बनना है, ये प्रभु यीशु ने हमको सबको एक समान दिया है। लेकिन ये हम पर डिपेंड करता है कि हम लोग कितना पानी, कितना वचन, कितना हम लोग ड्रॉ करते हैं उससे। प्रेज गॉड। तो हम, प्रेज गॉड, यहाँ पे जब ये ट्रांस में चला गया, यानी कि बेशुद्ध हो गया, उसकी आंखें बंद हो गई, तब उसने देखा, पतरस ने देखा कि एक बड़ी चादर, या ओपन हैव ओपन्ड अ सर्टेन वेसल डिसेंडिंग अपॉन हिम, यहाँ पे बड़ी चादर लिखा है, जबकि इंग्लिश में लिखा है अ सर्टेन वेसल डिसेंडिंग अपॉन हिम, इट हैड बीन अ ग्रेट शीट निट एट द फोर कॉर्नर्स एंड लेट डाउन टू द अर्थ। तो ये उसने स्पिरिचुअल आंखों से देखा, वेर जहां पे दुनिया के, सॉरी, सारे पशु पशु पक्षी, बीस्ट ऑफ द अर्थ, वाइल्ड बीस्ट एंड क्रीपिंग थिंग्स एंड फाउल्स ऑफ द एयर, ये सारे जीव जंतु उसको दिखाई दिए। और ये क्यों दिखाई दिए सिस्टर? वो प्रार्थना में जब ही था, पतरस ने उस पर हर प्रकार दिखे, उसने कहा कहा तक महाप्रीर तक ना 11 तक पढ़ा, उस पर हर प्रकाश के पक्षु, धरती के रेंगने वाले जीव जंतु और आकाश के पक्षी थे। फिर एक स्वर ने उससे कहा, पतरस उठ, मार और खा। यानी प्रभु उसको कह रहे,
उठ जा और ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है अपनी स्पिरिचुअल आंखों से उसको मार के खा ले। अभी पतरस क्या कहता है रिप्लाई में सिस्टर निशा? हेलो चेक सिस्टर निशा, सिस्टर शी इज नॉट देयर। ओके प्रेज गॉड, नो प्रॉब्लम। पतरस ने कहा प्रभु निश्चित रूप से नहीं। पतरस कहता है, पीटर वो कह रहा है प्रभु को कि मैं नहीं नहीं मैं ये क्यों खाऊं? मैंने कभी कभी भी किसी तुच्छ या समय के अनुसार अपवित्र आहार को नहीं लिया है। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि वो मतलब वो यहूदी है, सही है? तो उसे वो सब दिखाई दिया जो अनक्लीन है। जब वो ट्रांस में चला गया उसे सब कुछ मतलब सारे जीव जंतु दिखाई दिए और यहोवा उससे कह रहे कि तुम ये इसको मारो और खाओ। तो इससे इससे क्या जाहिर होता है? पतरस ने बोला कि नहीं मैंने कभी ये तो निश्चित है कि मैंने कुछ भी अनक्लीन जो है मैंने या बिना समय का जो टाइम मेरा है खाना पीने का उसके अनुसार मतलब यानी कि वो लॉ में अकॉर्डिंग टू द लॉ जो है मैंने उसके पश्चात कुछ खाया ही नहीं। मैंने अपने मुंह से मुंह तक नहीं लगाया उसको, अपवित्र अनक्लीन आहार को नहीं खाया है नहीं लिया है। इस पर उन्हें दूसरी बार फिर वाणी सुनाई दी, किसी भी वस्तु को जिसे परमेश्वर ने पवित्र बनाया है तुच्छ मत कहना। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हेलो सिस्टर शांता। हेलो सिस्टर, सिस्टर डायना। यस, वी डिड द रिवीजन ऑफ यस्टरडेज अबाउट द फिजिकल आईज एंड देन यस्टरडे आई हैड गिवन अ हेड्स अप एज इन मैंने थोड़ा सा आज के लिए जो हम डिस्कस करने वाले मैंने एक्ट्स का चैप्टर 10 9 से मैं स्टेप बाय स्टेप जा रही हूँ, ठीक है? जब पतरस दोपहर के वक्त वो प्रार्थना कर रहा था, ओके पहली बात तो हमने सीखा कि हमारी फिजिकल आंखें खुलती हैं और फिजिकल आंखों से हम वचन सीखते हैं, वचन सीखने के बाद हम विश्वास करते हैं और उस विश्वास से हम प्रार्थना करने लगते हैं, ठीक है? हम प्रार्थना करते हैं और जब हम प्रार्थना करते हैं किसी के लिए या कोई और हमें जब प्रार्थना करने के लिए कहता है तो हमारा काम ये है कि हम उन्हें प्रार्थना करने सिखाएं, उन्हें वचन सिखाएं और उन्हें कुएं तक लेकर जाएं और उन्हें सिखाएं कि पानी कैसे निकालते। पानी निकालना और कितना पीना उनका काम है, सही है? ये सब हम लोग ने कल डिस्कस किया था। अभी वो हुआ फिजिकल आंखों का, अभी हमारी स्पिरिचुअल आंखें खोलती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 15 खोला, ओके अगले दिन आप पढ़िए अगर चाहिए तो आपको समझ आएगा। सिस्टर निशा ने एक बार ही पढ़ा है। ओके अगले दिन जब वे चलते चलते नगर के निकट पहुंचने ही वाले थे, पतरस दोपहर के समय प्रार्थना करने को छत पर चढ़ा।
उसे भूख लगी, सो वह कुछ खाना चाहता था। वे जब भोजन तैयार कर ही रहे थे तो उसकी समाधि, क्या लिखे, समाधि लग गई। समाधि लग गई और उसने देखा कि आकाश खुल गया बस है। बस 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 अगर हम लोग मतलब सिस्टर निशा के पास है ना एक मतलब एक और वर्जन था जिसमें मैं वर्ड तो भूल गई लेकिन अगर हम इंग्लिश में पढ़ते हैं एंड ही बिकेम वेरी हंग्री यानी कि वो छत पर चले गए प्रार्थना करने। ओके प्रार्थना करने चले गए और वो प्रार्थना करते मतलब वो उस वक्त उनका शायद भोजन का टाइम हो गया था खाना खाने का टाइम हो गया था। ही बिकेम वेरी हंग्री एंड वुड हैव ईटन बट वो नीचे जो मतलब उनके जो बाकी के सारे जो उनके साथीदार थे वो खाना बना ही रहे थे कि ये प्रार्थना करते करते वो एक ट्रांस में चले गए। कौन पतरस। और ट्रांस यानी कि मतलब उनके सिस्टर निशा के वर्जन में लिखा है कि वो बेशुद्ध हो गए। क्या हो गए? बेशुद्ध यार मतलब सिस्टर, बेहोश बेहोश। मतलब बेहोश हो गए। हाँ बेशुद्ध मतलब वो मराठी में आ गया सॉरी हाँ थर्ड लैंग्वेज प्रेस बेहोश हो गए। गॉड, प्रेस गॉड। बेहोश हो गए और वो उन्होंने देखा कि हेवन से स्वर्ग से एक चादर जैसी आई पृथ्वी पर चादर जैसी आई और उस चादर में हर एक प्रकार का हर एक टाइप का आ, 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 बीस्ट एनिमल्स क्रीपिंग थिंग्स ये सब आया। और उसको उनको भूख भी लगी थी तो एक एक आवाज आई और उसको बोला पतरस को बोला उठो और किल एंड ईट। देखिए लास्ट सेंटेंस। फिर एक स्वर ने उससे कहा पतरस उठ मार और खा। तो पतरस ने उसके रिप्लाई में क्या कहा प्रभु निश्चित रूप से नहीं क्योंकि मैंने कभी भी किसी तुच्छ या समय के अनुसार अपवित्र आहार को नहीं लिया है। यानी यहाँ पे देखो वो बोल रहा है नॉट सो लॉर्ड वो मतलब सीधा मना कर रहे हैं डेरिंग भी उसका फॉर आई हैव नेवर ईटन एनीथिंग दैट इज कॉमन अनक्लीन। प्रेज़ प्रेज गॉड एंड द वॉइस स्पोक अन टू हिम अगेन द सेकेंड टाइम। लॉर्ड उसको कह रहे जिसको लॉर्ड ने बनाया उसको अनक्लीन मत बोलो। तुच्छ ये मत क्या लिखा कहना, है कि तुच्छ मत कहना, तुच्छ मत कहना। किसी भी वस्तु को जिसे परमेश्वर ने पवित्र बनाया है, तुच्छ मत मत कहना। तो हम लोग कितना बार बोलते हैं कि आज है ना मतलब ये मेरे लिए सही नहीं है ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। अभी जब भी पिता परमेश्वर ने जब हम ये पृथ्वी बनाई क्या वो उन्होंने खुद से अपने मुंह से नहीं कहा कि इट इज गुड। जेनेसिस यानी उत्पत्ति उसमें जो कुछ पिता परमेश्वर ने अपनी जबान खोलकर उन्होंने जो कुछ बनाया जिसमें हर एक में बीज था जो भी फल फूल या जीव जंतु सब कुछ बनाया उन्होंने देखा और उन्होंने कहा ही सेड इट इज गुड दिस इज गुड। तो उन्होंने पहले क्या किया
देखा, फिर उन्होंने क्या बोला, दिस इज गुड। यानी जब हम कहते हैं अपने आप को कि मुझे ना ये सूट नहीं हो रहा है, मुझे ना वो सूट नहीं हो रहा है, तो हम क्या कह रहे हैं कि पवित्र ने पिता परमेश्वर ने जो बनाया हमारे लिए सही नहीं है। अरे मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि परफ्यूम ट्राई किया और उसका उसका स्मेल मेरे को पसंद नहीं आया, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, मैनमेड। मैं वो बोल रही हूँ जो परमेश्वर ने बनाया है। जो परमेश्वर ने बनाया। बहुत जी लोग बोलते हैं ना, अगर मतलब सी फूड खाने के बाद दूध का आइटम नहीं पीने का या दही नहीं खाने का, क्यों भैया क्यों? क्या नहीं खाने का सिस्टम? सी फूड, सी फूड। ओके 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 या अगर नॉन वेज खाया ना, उसके साथ ये नहीं खाने का, तो ये होता है वो होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब हम लोग पहले पहले हम लोग को वचन में आने से पहले हम लोग ऐसे बोलते थे कि ये टाइम पे ये नहीं खाने का, वो टाइम पे वो नहीं खाने का, यस इससे मेरे को एलर्जी होता है, उससे मेरे को एलर्जी होता है, इसका मतलब क्या है? हम जो परमेश्वर ने बनाया है, हम उनको उस चीज वो चीज को हम बोल रहे हैं कि ये मुझे ये नहीं है जो ये परमेश्वर मेरे कहते या हैं। ये मे, मतलब ये अच्छा नहीं है, है ना? प्रेज जी गॉड। लेकिन जब पिता परमेश्वर पतरस को कह रहे हैं, जो परमेश्वर ने पवित्र बनाया है तुच्छ मत कहना, ओके? प्रेज गॉड। प्रेस कौन सुनिए ना सिस्टर, हमारा जो सोच है, जो थिंक जो सोच है, वो मतलब वो रियली जो परमेश्वर जैसे बोलते हैं, उन वो जैसे कहते हैं, हमारा सोच बिल्कुल उनका उल्टा है। हम उल्टे कौन वो रे, जितना वो सही है, ऊपर तक हम लोग सोचते उल्टा हैं जाता है। उसका। जी उन्हें लॉर्ड सही है, उनका वचन सही है, हम लोग उल्टा जाते हैं ना। यही है ना, उनका सोच कहीं हमारे सोच से कहीं ऊपर है, फिर भी हम अपना पांच इंद्रिया, हमारा वो सेंसेस को लगाते हैं। पर जब वो कुछ कह जब परमेश्वर कुछ कहते हैं, तो बिना सवाल जवाब किए वो जो कह रहे हैं, परमेश्वर जो कह रहे हैं वो करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे भलाई के लिए ही बोलते हैं और वो जानते हैं क्या अच्छा है। करेक्ट सिस्टर। अभी देखिए, मैंने ना अभी एक एग्जांपल देती हूँ, मुझे नहीं मालूम आप लोग मतलब बॉम्बे आए हो कि नहीं, हाँ मैं ठीक आई है? हूँ सिस्टर। ओके, प्रेज गॉड। अभी हम लोग, मैंने देखा ना कि हम लोग जो मतलब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ये सब्जी वगैरह ऑनलाइन लेना है, इसको धोना है, इसको ये करना है, इसको सैनिटाइज करना है, उसको वो करना है, ये सब हम लोग के लिए ठीक है, ओके, हम लोग करते भी है। लेकिन मैंने बहुत बार देखा है कि ये जो क्या बोलते हैं, ब्रिज, बड़े बड़े ब्रिज के नीचे लोग रहते हैं, ओके, उनको दिन का खाना बराबर से नहीं मिलता है सिस्टर। तो वो लोग उनको जो मिलता है ना, वो लोग बिंदास एकदम मजे से खाते, ओके। बहुत लोग है ना, मतलब उनका बचा हुआ उनको देते हैं, वो लोग अगले दिन खाते। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम लोग ने भी वही करना चाहिए, लेकिन उनका इम्यूनिटी देखा रहेगा आपने कभी सोचा है उनका इम्यूनिटी? अभी गांव के लोग देखिए आप, गांव में रहने वाले लोग देखिए, जब भी मैं भी मतलब छोटी थी, अगर हम लोग गांव में ट्रिप बनाते हैं, तो हम लोग जो जो पेड़ पे उगता था ना, उसको ऐसे ड्रेस पे पहुंच के हम लोग खा लेते थे। अब क्या टाइम आए, इसको 50 बार हाथ धो, सैनिटाइज करो, ये करो वो करो।
हाँ तो नहीं तो मतलब मुझे एलर्जी होगा, उसका एलर्जी होगा, इसका ये होगा, ये ऐसा नहीं होता है। प्रभु का नाम लो और ये तो बोल सकते हैं ना, प्रभु आपने जो बनाया वो अच्छा ही बनाया, इसमें आपका पवित्र रक्त है और ये मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। ये जी क्या हुआ, हमने अपनी आंखें खोली, वचन बोला विश्वास से और खाया, प्रेस तो इसमें क्या हुआ, हम लोग ने अपना फिजिकल आंखें खोली, स्पिरिचुअल आंखें भी खोली ना, और ये विश्वास यानी बिलीव भी किया, एक्शन भी किया, है कि नहीं। जी तो आगे देखते हैं, हाँ कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है अपना। प्रेस इस पर उन्हें दूसरी बार फिर वाणी सुनाई दी, किसी भी वस्तु को जिसे परमेश्वर ने पवित्र बनाया है तुच्छ मत कहना। 3 बार ऐसा ही हुआ, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीन तीन बार, कौन और वह वस्तु प्रेस फिर तुरंत आकाश में वापस उठा ली गई। कौन पतरस ने जिस ये क्या है रे वर्ड, दृश्य दृश्य, सॉरी मैं ह पढ़ रही थी, मैं भी दृश्य वो नहीं पढ़ रही थी सिस्टर, सॉरी सॉरी प्रिंस पतरस ने जिस दृश्य को दर्शन में देखा था उस पर वह अभी चक्कर में ही पड़ा हुआ था कि कुर्नेलियस ने भेजे वे लोग दरवाजे पर खड़े पूछ रहे थे कि शमौन का घर कहाँ है। इसका मतलब क्या है मालूम है, प्रभु यीशु पिता परमेश्वर वो चादर से जो दिखा रहे थे ना कि जीव जंतु वो जो शीट पर दिखा रहे थे उसे वो कह रहे हैं कि उठ अभी तुम्हें भूख लगी है तो तुम ये खाओ, ठीक है। उसके बाद में ये 3 बार हुआ, उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, नहीं 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 मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन बाद में पवित्र आत्मा ने उसकी स्पिरिचुअल आंखें खोली पतरस की। कैसे, कि कॉर्नेलियस ने भेजे वे लोग दरवाजे पर खड़े पूछ रहे थे कि साइमन पीटर का घर कहाँ है। तो इससे क्या हुआ कि पवित्र आत्मा पतरस को ये बोल रहे हैं कि वो जेंटाइल्स हैं, वो यहूदी नहीं है, सिस्टर, ये कॉल यहूदी जी यहूदी यानी जूस। जी साइमन पीटर तो जू है ना, ठीक है। जी साइमन पीटर यहूदी है, जू है, ओके। और यहाँ पे उनकी आ, आ, उ, 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 उसकी स्पिरिचुअल आंखें खुली पवित्र आत्मा द्वारा। पवित्र आत्मा ने उनसे ये कहा कि देखो कॉर्नेलियस ने भेजे हुए जो 3 लोग हैं वो यहूदी नहीं है, तो उनसे जाकर सुसमाचार शेयर करो। प्रेस कर सॉरी हम स्टेप बाय स्टेप गई ताकि हमको डिटेल में समझे। जी सिस्टर। अभी तो ये आप पढ़िए सिस्टर, उन्होंने सिस्टर 18, हाँ उन्होंने बाहर बुलाते हुए पूछा, क्या पतरस कहलाने वाला शामोन अतिथि
के रूप में यही ठहरा ठहरा है। पतरस अब भी उस दर्शन के बारे में सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, सुन, तीन व्यक्ति तुझे ढूंढ रहे हैं। हाँ, तो किसने कहा? आत्मा ने उससे कहा, सुन, पवित्र आत्मा ने कहा ना, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट ने कहा, सुन, तीन व्यक्ति तुझे ढूंढ रहे हैं। तो ये कौन है तीन व्यक्ति? वाइल पीटर वॉज स्टिल थिंकिंग, ही वॉज पीटर, साइमन पीटर, वो अपना मतलब वो विजन के बारे में सोच ही रहा था कि पवित्र आत्मा ने उनसे कहा, बिहोल्ड थ्री मैन सीक दी, यानी कि तुम्हें तीन लोग ढूंढने आए हैं, ढूंढ रहे हैं, यानी आपको दे आर सीकिंग। तो पतरस ने क्या किया? सिस्टर 20वां पढ़िए ना जी। वो खड़ा हो और नीचे उतर बेझिझक उनके साथ चला गया, सॉरी साथ चला, मैं फिर से पढ़ रही हूँ। वो खड़ा हो और नीचे उतर बेझिझक उनके साथ चला जा, क्योंकि उन्हें मैंने ही भेजा है। इस प्रकार बस बस सिस्टर, तो ये तो उसको विजन में क्या आया? स्पिरिचुअल आंखों से जब भी उसने देखा, उसको विजन मिला, वो ट्रांस में जब भी चला गया, उसको स्पिरिचुअल आंखों से क्या दिखाई दिया? एक चादर, चादर में अलग अलग जीव जंतु, और उसको भूख लगी तो उसको प्रभु ने कहा कि मार और खा, और उसने तीन बार मना किया कि मैं ये नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैंने मतलब मैंने ऐसा कभी किया ही नहीं, मैंने कभी ऐसे बिना समय खाया ही नहीं, और मैंने ऐसा कभी तुच्छ मतलब अनक्लीन वस्तु मेरे मुंह तक लगाई नहीं। तो उसको स्पिरिट ने बोला, जो प्रभु ने बनाया उसे तुच्छ मत कहना, ओके। और बाद में वो उसका वो विजन बंद हो गया तीन बार आने के बाद, सही है। उसके बाद में वो सोच ही रहा था उसके बारे में कि वो कॉर्नेलियस के भेजे गए तीन आदमी नीचे उसके बारे में पूछ रहे हैं। अभी पवित्र आत्मा उसको ये स्पिरिचुअल आंखों से उसे कह रहे हैं कि देखो तीन लोग नीचे तुम्हें ढूंढ रहे हैं। वो खड़ा हुआ और नीचे उतरकर बेझिझक उनके साथ चला गया, क्योंकि उन्हें मैंने ही भेजा है। किसने भेजा? प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने, यस, परमेश्वर ने भेजा। तो इस प्रकार पतरस नीचे उतर आया और उन लोगों से बोला, मैं वही हूं जिसे तुम खोज रहे हो, तुम क्यों आए हो? तो क्यों आए लोग? एनी क्वेश्चंस? एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग नॉट अंडरस्टूड सो फार? No, sister, we all understood. Please, God. Okay, 22वां वाला पढ़िए sister. Yes. वे बोले, हमें सेना नायक कॉर्नेलियुस ने भेजा है। कॉर्नेलियुस ने भेजा है, वह परमेश्वर, मैं फिर से पढ़ी सिस्टर, सॉरी। वे बोले, हमें सेना नायक कॉर्नेलियुस ने भेजा है, वह परमेश्वर से डरने वाला नेक पुरुष है।
यहूदी लोगों में उसका बहुत सम्मान है। उसे पवित्र स्वर्गदूत ने तुझे अपने घर बुलाने का निमंत्रण देने को और जो कुछ तू कहे उसे सुनने को कहा है। इस पर पतरस ने उन्हें भीतर बुला लिया और ठहरने को स्थान दिया। फिर अगले दिन तैयार होकर वह उनके साथ चला गया और याफा के निवासी कुछ अन्य बंधु भी उसके साथ हो लिए। प्रेज गॉड। तो इसका मतलब क्या है? ये जो हुआ ना, ये जो इंसिडेंट हुआ बाइबल में, क्या हुआ कि उसकी स्पिरिचुअल आंखें खुली? और ये इससे हमें क्या सीख मिलती है सिस्टर, कि जब हमारी स्पिरिचुअल आंखें खुलती हैं, जब हम प्रभु से बातें करते हैं, बिल्कुल हमें क्या मिलता है? हमें डायरेक्शन मिलता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। पवित्र आत्मा पतरस को ये बोल रहे हैं कि कोई तुच्छ नहीं है, कुछ भी तुच्छ नहीं है जिसको मैंने बनाया। तो तुम जाओ, और ये जो ये लोग हैं ना, ये यहूदी नहीं है, ये जेंटाइल्स है, कॉर्नेलियस ने भेजा है जिसको। यहूदी लोग में उनका बहुत सम्मान है। प्रेज गॉड। उसे पवित्र स्वर्गदूत ने तुझे अपने घर बुलाने का निमंत्रण देने को और जो कुछ तू कहे उसे सुनने को कहा है। तो अभी पतरस क्या बोलेगा उनको? अभी पतरस क्या बोलेगा? मतलब हमारा काम क्या है सिस्टर? अगर कोई आता है हमारे पास प्रार्थना के लिए, या हम क्या शेयर कर रहे हैं? हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? अभी ये बिल्कुल। वचन सीखने के बाद हमारा काम क्या है अभी? अभी हमारा काम ये है कि जो पवित्र आत्मा ने हमें सिखाया है वो अगर कोई प्रार्थना के लिए बोलता है सिस्टर, पहले हम उसको प्रार्थना ने उसको पहले हम वचन बताए, उसको ये समझ दे कि जैसे पवित्र आत्मा ने हमें बताया है, हमें समझाया कि ये वचन ये कहता है, तो हम उसको बताए वो व्यक्ति को कि ये वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया, बिल्कुल कोई भी आपके जीवन में घटी नहीं है, कोई सब कुछ सही है, सब कुछ सही चल रहा है। प्रेज गॉड। पर आपको ये विश्वास करना है जो परमेश्वर ने कहा है। करेक्ट सिस्टम। तो जब भी हम मतलब कोई अगर हमारे पास आता है प्रार्थना के लिए, तो हम लोग कहते हैं ना कि ये स्क्रिप्चर पढ़ो, ये स्क्रिप्चर बोलो। तो ये मतलब वो पहले तो उसको ये स्क्रिप्चर पढ़ना पड़ेगा, अपना अपनी जो पांच इंद्रियां, जो आपने बोला, जो पांच सेंसेस है, अपनी आंखें खोलो, ये वचन पढ़ो, इसको इसका मनन करो, इसको समझो, प्रेज गॉड। ना कि मतलब बस ऐवे ही, मतलब बस मुझे इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है तो फटाफट इसका मतलब इसको बोलते रहो। ऐसा नहीं है, इसको हमने प्रार्थना में डालना है। प्रेज गॉड। ऐसा नहीं है ना कि मैं खाली स्क्रिप्चर बोलते रहूं, प्रार्थना कोई और कर रहा है, यानी कि वो मुझे बोलेगा। मैं मतलब अगर मैं आपको मेरे अगर मेरा कोई लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, मैं बोलूंगी सिस्टर शांता प्लीज मेरे प्लीज कीप मी इन योर प्रेयर, ठीक है? आप प्रार्थना करोगे, मैं बोलोगे करके चलो चलो मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, आप मेरे लिए प्रार्थना करते हो, और आप मुझे फिर बोलते हो कि आप ये स्क्रिप्चर बोलो सिस्टर। तो मेरा काम क्या है? मेरा काम ये है कि मैं घर पर जाऊं और बाइबल खोलूं,
अपनी फिजिकल आंखें खोलूं और वो स्क्रिप्चर पढ़ूं। ये सिस्टर ने मुझे ये क्यों कहा है, ये पढ़ने के लिए इसका मतलब क्या है ना। और बाद में इसका मतलब ये वचन जो है, मैं इस उसको प्रार्थना में प्रभु यीशु से डायरेक्टली बात करूं, ना कि मैं वापस सिस्टर शांता के पास दौड़ूं और बोलूं कि सिस्टर शांता, हाँ क्या हो ब्रदर गया, मोहित का माइक। प्रेज गॉड, ये नहीं बोलूं कि सिस्टर शांता ये तो काम ही नहीं कर रहा, प्रेज गॉड। मैं तो बोले जा रही हूँ, लेकिन ये मतलब आपका वचन, आपने जो बोला वो वचन नहीं काम करा। क्यों? क्योंकि प्रार्थना वो कर रहा है और वचन में मतलब बिना विश्वास के बोल रही हूँ, ऐसा नहीं होता है ना। तो प्रार्थना मैंने करना है वचन बोलकर, जरूरी है कि मैंने प्रार्थना करना है वचन बोलकर विश्वास से। और विश्वास कब आता है? वचन को वचन बार सुनने से, बार बोलने से, सुनने से, ये गेटवे है ना सिस्टर। गेटवे है। वचन सुनने से और बार बार सुनने से आता है, राइट? तो जी हमने, जरूरी है कि प्रार्थना करना है, लेकिन हमने करना है। इसका प्रेज गॉड। और मतलब जब भी प्रभु यीशु भी बोलते हैं ना सिस्टर, की जब मतलब वो हीलिंग वगैरह लेकर मिलकर वो लोग चले गए, लेकिन जो लोग रह गए और जो सवाल करते हैं, यानी यानी उनको भूख है कि पवित्र आत्मा द्वारा उनको चाहिए कि मैं और जानूं, और वो जितना मतलब बाइबल खोलकर वचन सीखेंगे और प्रार्थना में बोलेंगे कि पवित्र आत्मा आप मुझे सिखाओ, और पवित्र आत्मा हमें उस, जैसे सिस्टर शांता आप मुझे, अगर मैं आपके पास आऊं ये बोलकर कि आप मुझे आप मेरे लिए प्रार्थना करो, आप मेरे लिए करेंगी प्रार्थना, फिर आप मुझे वचन सिखाएंगी और उसके साथ आप मुझे बोलेंगी कि ये टीचिंग सुनिए या ये टीचिंग यूट्यूब पर देखिए, ये आपको और गहराई से समझ आएगा। यस सिस्टर। एंड टीचिंग स्टडी करने से ये सिस्टर हमें वो वचन के बारे में हमें और समझ में हमें आता है। करेक्ट। तो यहाँ पे पतरस ने क्या किया, 3 बार ना बोलने के बाद वो फिर से सोच ही रहा था विजन के बारे में कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। फिर उसको पता चला, पवित्र आत्मा ने बताया कि ये मैंने भेजे हैं, तो मैंने जिसको भेजा है वो अपवित्र या तुच्छ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमें हमारे लाइफ में डायरेक्शन मिलता है। ये पतरस का कॉलिंग था, पीटर का कॉलिंग था कि आप गैर यहूदी जो है, जो जेंटाइल्स हैं, कौन जेंटाइल्स? आप और मैं, हम तो यहूदी नहीं है ना सिस्टर। सिस्टर मुझे यही पता है कि मैं परमेश्वर की बच्ची हूँ। बिल्कुल हम हैं, लेकिन मतलब यहूदी मतलब इसराइलाइट यार। प्रेस कौन नहीं सिस्टर। हाँ, तो अगर उस टाइम पर ये अगर सिर्फ यहूदी के पास ही नॉलेज होता, तो क्या आप और हम बच पाते? लेकिन पिता परमेश्वर का प्रेम देखो, उन्होंने कहा कि जो कुछ मैंने बनाया वो अपवित्र नहीं है, तो इसमें हम क्या हुए, उनके
बच्चे उनके जैसे ही हुए। ही हैज मेड अस अकॉर्डिंग टू हिज इमेज एंड लाइकनेस। तो सब कुछ समान है, यहूदी जेंटाइल्स ये वो, कोई भी नेशनलिटी हो, कोई भी भाषा हो, कोई भी आपकी मतलब कोई भी रिलीजन आप फॉलो करते हो, लेकिन पिता परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए सबके लिए एक समान है। बस हम पर डिपेंड करता है कि हम उन पर विश्वास करें, और उनका विश्वास मतलब जो उन्होंने हमें दिया है हम प्रार्थना में बोले। तो ये बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थना करें अपने लिए औरों के लिए भी। ये बस मेरा एक थोड़ा सा अलग एंगल था सिस्टर, जो मैंने मतलब एक मुझे ऐसे अच्छा लगा कि एक कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर प्लीज कॉल एंड हाउ वी शुड गो अबाउट यू नो प्रेज गॉड। तो एनी क्वेश्चंस, कुछ कुछ सवाल, कुछ डाउट है सिस्टर? नो सिस्टर तो लॉरेंस, आपको कुछ समझ नहीं आया? आपको कुछ क्वेश्चन है तो लॉरेंस, नहीं सिस्टर, एनी वर्ड दैट यू डिडंट अंडरस्टैंड आई कैन हेल्प यू विथ? एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग इज। प्रेज गॉड। सिस्टर ब्रेंडा, डू यू हैव एनीथिंग टू से, एनीथिंग टू शेयर? नो सिस्टर प्लीज गॉड। ओके, प्रेज गॉड। सिस्टर ब्रेंडा, वुड यू प्लीज डू द क्लोजिंग प्रेयर टुडे? इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, वी हैवंट हर्ड एनीथिंग फ्रॉम यू। सिस्टर आप हमें आप लोग के साथ कुछ शेयर करूंगी। सिस्टर डाइना, जैसे बिल्कुल आप बता रही थी ईमान के बारे में कि अनदेखी हुई चीज और उस पर पूरा ईमान रखना, और हमने भी सीखा था, हम दूसरों तक भी यही पहुंचाएंगे जो आप हमने सीखा है कि अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन, जो मेरे ख्याल से वेनिसडे को मेरे बच्चों की तबीयत खराब हुई थी। मैं ऑफिस गई थी और फिर मेरी बेटी का कॉल आया था कि इससे सांस लेने में मुश्किल हो रहा था, तो मैंने डॉक्टर से पूछ के बैठे उन्होंने ऑफिस से घर भेजाया था। और उसी दिन मेरा एंड ईयर रिव्यू भी चला था, मीटिंग था मेरे बॉस के साथ। बट प्रेज गॉड मुझे घर आना पड़ा। तो फिर हमने डॉक्टर ने कहा कि दोनों बच्चों का कोविड का टेस्ट करवाना है। सो प्रेज गॉड हमने वो टेस्ट करवाया। साथ साथ जैसे हम टेस्ट करवाते गए, आजमाइश में ये हो रहा था कि हमें सिम्टम्स तो नजर आ रहा था कोविड था, बट प्रेज गॉड कि मुझे पूरा ईमान और यकीन है कि खुदावन उनके साथ है, तो कोई जर्म्स कोई वायरस तो उनके बदन को तो छू ही नहीं सकता है। व्हाट्स योर सिस्टर डायना? यस यस ऑफ कोर्स, प्रेज गॉड। तो जब थर्सडे, हाँ तो प्रेज गॉड थर्सडे को जब रिपोर्ट आया तो प्रेज गॉड एज दिन का पॉजिटिव। इवाना के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं मगर रिपोर्ट प्रेज गॉड क्लियर था। हम सब अभी क्वारंटीन में हैं। शैतान हमें सारे डिजीज वायरस सब कुछ दिखा रहा है, बट प्रेज गॉड वो ना एक बोलते हैं ना एक एक्साइटमेंट, लोग कोविड का नाम सुन के डर जाते हैं, बट यहाँ उल्टा है कि कोविड हो तो गया है मगर प्रेज गॉड हम लोग एक्साइटेड है, खुश है। और वो जो खुशी होती है ना, जो रूहानी जो खुदावन हमें देता है, तो वही खुशी खुदावन ने हमें भी दी है, वही बरकत दी है कि हम परेशानी है कि कोविड आया है अभी कैसा होगा। शुक्र है खुदावन का कि हम घर से निकले नहीं, पर हमारे पास खुदावन ने सब कुछ मुहैया कर दिया है। जैसे हमने कलाम में भी पढ़ा कि खुदावन ने हमें इस धरती के लिए रूहानी ताकत के लिए सब कुछ ऑलरेडी दे दिया है। तो सेम वे सिस्टर खुदावन ने हमें सब चीज मुहैया किया हुआ है, हम घर के अंदर है। इनफैक्ट फिजिकल रे में हमें कोई बुखार वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, मेडिकेशंस ऑन है,
इनफैक्ट हम इधर सेलिब्रेट कर रहे हैं, यू नो, कि खुदावन का शुक्र है कि हमें इतनी ताकत, खुदावन उसका ताकत हमारे साथ है, उसका प्यार है। तो ये था सिस्टर, और आज हम लोग हंसेंगे कि आज हम कोविड में हम लोग बारबेक्यू कर रहे हैं हम तीनों, यू नो। तो वो जो कोविड जो दुनिया डर रही है, हमें उससे कोई डर नहीं है। मुझे, मेरे बच्चों को, कि हम कोई डरे हुए नहीं कि ओ कोविड हो गया। हाँ, हमारे सारे रिश्तेदार, दोस्त, जो प्यार करने वाले, वो सारे डरे हुए कि उनको कोविड हो गया, अभी यू नो कुछ हो जाएगा, उनके उनके फेफड़े, उनके गुर्दे सारे डैमेज है। नो सिस्टर, दिस इज ऑल, ये सब झूठ है जो जो मैंने, खुदावन ने मुझे दिखाया है। हम लोग के कोई पार्ट्स, कोई जिस्म के कोई ऐसे ऑर्गन्स ना डैमेज हो है, ना हो गए कभी, क्योंकि खुदावन हमारे साथ है, हमारे अंदर है। तो शैतान की तो मजाल ही नहीं हो सकती कि वो मेरे बच्चों और हमारे घर को या हमें छुए। तो जब आप ये मरकज की अंजील उसका 11 बाब 22 से 25 जो समझा रही थी, तो उस वक्त मैंने कहा मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये मेरी गवाही है आज की। प्रेज गॉड सिस्टर। ये हम ना जब लॉकडाउन पीरियड, आपको याद है 2020 में हमने बस वो पाकिस्तान का शुरू ही किया था। हाँ, उस वक्त हम उस वक्त लॉकडाउन के टाइम पे कितना, मतलब किसी को पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं, वगैरह वगैरह। फिर लास्ट ईयर सिस्टर, हमारे साथ ये हुआ, मतलब मेरे हस्बैंड, उन्होंने नया ऑफिस ज्वाइन किया, और ऑफिस ज्वाइन करने के कुछ थोड़े दिन, एक दो हफ्ते के बाद ही उनको, मतलब उनको फुल सिम्टम था। और यहाँ पे दुबई में, मतलब प्रोटोकॉल्स एकदम स्ट्रिक्ट है, प्रेज गॉड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मतलब डर के दुबक के रहे। ओके, शैतान से, ये शैतान का सबसे बड़ा मतलब वेपन, जो शस्त्र है, ओके, डर, उसको मतलब हम, मैं क्या कर रही थी ना, अभी हम लोग तीन ही लोग हैं, ठीक है, मैं और मेरी बेटी, हम लोग आइसोलेशन, मतलब मेरे हस्बैंड आइसोलेशन में एक रूम में ही थे। ओके, मैं उनका सब काम कर रही हूँ, ओके, और उस वक्त मैं लैपटॉप लेके, मैंने उस टाइम पे क्लासेस, ये हिंदी सेशंस भी लिए, याद है आपको, लास्ट, मतलब मुझे थोड़ा थोड़ा जुकाम, मुझे भी सिम्टम्स नजर आ रहे थे, लेकिन मैंने, मेरी दवाइयां चल रही थी, ओके, और मैं, मतलब मेरा जो नॉर्मल काम था, मैं वो कर रही हूँ, क्योंकि जब आप क्वारंटाइन में रहते हो, ऑब्वियसली किसी को अलाउ नहीं है घर पे आने का, आपको बाहर जाने का अलाउड नहीं है, तो मतलब कौन का, मतलब उतने दिन आप 14-10 दिन या 14 दिन क्या भूखे रहोगे? काम तो नॉर्मल करना पड़ेगा ना, उठ के खाना तो बनाना पड़ेगा, कौन करेगा आपके लिए, ये खुद को ही करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, ठीक है, हाँ। तो प्रभु यीशु, अभी हम लोग, तभी तो आज का टॉपिक जैसे है, प्रार्थना करो। मैंने हिंदी का क्लास भी, मतलब सिस्टर फ्लोरी तभी उस टाइम पे नहीं आ पा रही थी, और मतलब प्रेज बी टू गॉड, पवित्र आत्मा ने आपको ही बोला था कि सिस्टर डायना क्लास लेंगी, आपको याद है? यस सिस्टर, हाँ, आपने मुझे बोला कि सिस्टर डायना आप क्लास लोगे, तो मैंने कहा ओके, प्रेज गॉड, पवित्र आत्मा ने मुझे हेल्प किया कि उनके मदद के द्वारा ही मैं क्लास ले पाई। और जो रोजमर्रा की, जो भले ही हम लोग बारबेक्यू वगैरह नहीं कर रहे थे, लेकिन जो भी हम लोग को, प्रेज गॉड,
अभी तो आपने मस्त आइडिया भी दे दिया कि ये भी कर सकते हैं हम लोग जो बॉइल्ड राइस है उसका कंजी या जो भी हम लोग डाइजेस्ट कर पा रहे हैं उस टाइम पर, ओके, वो जो भी हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, और जो प्रोटोकॉल्स हैं कि आप आइस लॉ सेज दैट यू आर सपोज टू बी द कंट्रीज लॉ, उसको हम लोग रिस्पेक्ट करना चाहिए जब, एग्जैक्टली हाँ, और वो लोग बाकायदा कॉल करके चेक करते हैं कि आपका मतलब इस दिन से इस दिन तक आप लोग मतलब बाहर निकले कि नहीं निकले, वो कॉल करते हैं. तो इट इज वेरी गुड व्हेन द कंट्री इज डूइंग दिस फॉर यू, जब आपका देश आपके लिए ये कर रहा है, ओके, हमारा भी ये बनता है कि हम लोग भी उस कंट्री के, हमारे कंट्री के लॉ के हिसाब से चले, और लेकिन डर में नहीं, प्रभु का वचन बोलकर, कि प्रभु आपका वचन कहता है कि कोई भी जीव जंतु बैक्टीरिया वायरस कुछ भी है, हमें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आप मेरे अंदर हैं तो मेरे अगेंस्ट क्या आ सकता है, मेरे विरुद्ध क्या हो सकता है. मैं ये दवाई ले रही हूँ, ये दवाई में आपका पाक लहू है, पवित्र रक्त है आपका जो आपने क्रूस पर बहाया, वो मेरे लंग्स, आपकी सांस मेरे फेफड़ों में है, वो व्हाट डू यू कॉल फॉर इट इन उर्दू, क्या है फेफड़े? लंग्स लंग्स, हाँ, तो इट इज योर ब्रेथ इन माई लंग्स, ओके. और फिर मैंने मतलब एक और ब्रदर अमल, ब्रदर अमल का आयरलैंड का टीचिंग में उन्होंने बोला कि जो भी कोविड के पेशेंट्स हैं उनके लिए जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हमने ये बोलना है कि देयर लंग्स आर फंक्शनिंग परफेक्टली वेल, एंड देयर इज द परफ्यूजन रेशियो इज नॉर्मल. तो मेडिकली भी हम अपने आप को कवर करते हैं प्रभु का वचन बोलकर, है ना. तो इसमें इसमें सारा कवरेज हो गया ना, आपने लॉ कवर किया, प्रभु का वचन बोला, और जो मेडिकल का मतलब मेडिकली जो बोलना है उसको वचन के साथ में बोला विश्वास से, और विश्वास हमारे बोलने से और ज्यादा बढ़ता है ना, प्रेज गॉड. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हर एक एस्पेक्ट को मतलब कुछ भी हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते, किसी को कुछ इग्नोर नहीं कर सकते, कुछ भी मतलब हमें पवित्र वचन कहता है कि हमें पवित्र आत्मा ने, पिता परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है ना, 2 टिमोथी 1:7, डर की आत्मा नहीं दी. हिंदी में नहीं आता यार मेरे को, भय की आत्मा नहीं दी है, भय की प्रेम, आत्मा, संयम, ताकत, संयम, हाँ, और ताकत, ये सिस्टम. पावर, लव एंड साउंड माइंड. क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो आत्मा दी है वो हमें कायर नहीं बनाती, बल्कि हमें प्रेम, संयम और शक्ति से भर देती है. हैज नॉट गिवन अस अ स्पिरिट ऑफ फियर बट ऑफ पावर, लव, कॉन्फिडेंस. मेरे मेरे पास जो एक वर्जन है उसमें कॉन्फिडेंस है एंड ऑफ अ साउंड माइंड. तो हम लोग पवित्र आत्मा हमें पावर देता है ना,
जब भी हमें ये प्रॉब्लम आ गया, कोविड पॉजिटिव, डॉक्टर ने कहा करके चलो भैया तुम्हारा वो रिपोर्ट वो पॉजिटिव आए, ओके लॉर्ड दिस रिपोर्ट आई कैंसिल एंड रिजेक्ट इन द नेम ऑफ जीसस, प्रेज गॉड, दिस रिपोर्ट सेज दिस, बट किंतु किंतु परंतु आपका वचन कहता है कि आपने मुझे डर की आत्मा नहीं दी है, आपने मुझे कायर नहीं बनाया, लेकिन आपने बल्कि आपने मुझे प्रेम यानी लव, साउंड माइंड कि मैं मतलब मैं जानती हूं मैं क्या कर रही हूं। साउंड माइंड क्या है कि हमें वो बताता है कि लॉ ये बताता है, पवित्र आत्मा बोलते हैं कि देखो ये लॉ है तुम्हारे, तुम जो देश में रहते हो तुमने ये नहीं करना, अगर 14 दिन तुमको अंदर आइसोलेशन में बैठना है तो बैठो, दवाई लेनी है तो आप लो, लेकिन डर के नहीं, कायर बन के नहीं कि मेरे मतलब मुझे ये हो जाएगा मुझे वो हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु जो मेरे अंदर रहता है वो बाकी सब चीजों से बड़ा है, ये रिपोर्ट से बहुत बड़ा है, ये वायरस से तो बहुत ही बड़ा है, ये वायरस क्या है ना। प्रेज गॉड सिस्टर, थैंक यू फॉर दिस टेस्टिमनी। सिस्टर ब्रदर लॉरेंस कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ अ लिटिल व्हाइल। यस प्रेज गॉड। Sister, brother Lawrence is from Pakistan, and he's with us from the charismatic where sister we all meet for prayers and worship. Oh, and, bless. He's the writer also, and he has a lot of knowledge about the Bible. So, bless God. And welcome, brother Lawrence. No, actually. I used to be in Saudi Arabia from 2015 to 2017, and there I used to attend the house church. At that time, of course, it was I was very regular. I used to go 3 times to the church, and उसके बाद बहुत ज़्यादा gap आ गया. But of course, I felt कि वो need है learn करने की, and I have a lot to learn, of course, from you and from other brothers and sisters, क्योंकि बाइबल में तो जाहिर है एक बहुत ज्यादा गहराई है और एक समंदर की तरह है, तो आई थिंक मुझे बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है, एंड आई थिंक हम सबको ब्रदर, हम सबको यस बिल्कुल। सो ब्रदर लॉरेंस, क्या आप हमारे साथ आज की क्लोजिंग प्रेस कर सकते हैं शुक्रगुजारी के साथ? सॉरी, can you say the closing prayer in Urdu? Okay. Praise God. आप तेरा शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस मौके के लिए खुदावन, तमाम लम्हात के लिए खुदावन, उन तमाम नेमतों के लिए, उन तमाम चीजों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए, प्यार करने वाले सपोर्ट के लिए खुदावन, उन तमाम टीचर्स के लिए खुदावन, तेरे कलाम के लिए, बाइबल के लिए खुदावन, जो हमने आज सुना है खुदावन, जो हमारे लिए एक शील्ड है खुदावन, जिससे हमें ज्ञान मिलता है, हमें नॉलेज मिलता है खुदावन, और हमारा ईमान मजबूत होता है खुदावन, हमें तौफीक दिया खुदावन कि जो कुछ हमने आज सुना है और उस पर ध्यान दिया है खुदावन, ताकि वो उस पर हम गौर करें, उसको और मजीद गहराई में सोचें खुदावन, दुआ के साथ है खुदावन, ईमान के साथ, ताकि हम उससे हिम्मत और ताकत पाए खुदावन, और खुदावन जो कुछ भी हमारे अंदर खौफ है, डर है, शक व शुबा है खुदावन, वो खुदावन यीशु मसीह के नाम से जाता रहे खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन अपने खानदान के लिए, अपने अजीज रिश्तेदारों के लिए, तमाम अपनी कम्युनिटी के लिए खुदावन, तेरी मेहरबानियों के लिए खुदावन, और उन सब लोगों के लिए भी दुआ करते हैं खुदावन जो इस वक्त कोरोना और दूसरी बीमारी की वजह से बीमार हैं, क्वारंटाइन में हैं खुदावन, ब्रेडा और उसकी फैमिली के लिए और दूसरे अजीजों के लिए खुदावन, सबके लिए दुआ करते हैं खुदावन, ताकि तू अपना ईमान
अपना तेरे जो स्क्रिप्चर है, वर्ड है, उसके वसीले से खुदाम हमें हिम्मत बख्शे, हमें ताकत बख्शे खुदाम, और हमारी ईमान को और मजबूत करे, और हमें तौफीक दे ताकि हम गवाही दे सकें खुदाम, तेरी बढ़ाई की है खुदाम, तेरी ग्लोरी की है खुदाम। उसे दुआ करते हैं कि आगे भी है खुदाम हमारा ये सिलसिला सीखने का, ईमान बढ़ाने का, स्क्रिप्चर्स को सुनने का, बांटने का ये सिलसिला जारी रखे, ताकि हमें खुदाम ईमान में और ज़्यादा बढ़े। सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। थैंक यू ब्रदर लॉरेंस। थैंक यू ब्रदर लॉरेंस। थैंक यू ब्रदर एंड सिस्टर। थैंक यू सिस्टर डायना, वो रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ एक मिनट। प्रेज गॉड।